वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पतत पावन, भगत वत्सल, करुणा निदान, मेरा दे साईं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच बड़े ही प्रेम सहित चल करके जो बैठे हो, एक मौका प्राप्त होया सत्संग करन दा। आओ इस वक्त को सफल बनाइए, गुरु इतिहास जी के पावन प्रसंगा दे विचों आप जी ने सरवण किया सी, काफी समय तो गुरु नानक पातशाह माता पिता जी के पास पिंड राय कोई की तलवंडी वसते ने। एक दिन पिता जी को आखन लगे, पुत्र कोई काम धंधा कर लै, फकीरी वाला लिबास ला दे, अपनी पत्नी नू लै आ। बुढ़े बारे सानू कोई सुखां दी हवा तेरे पासों आवे, बड़े बतन पिता जी ने आखे। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने फिर मेहर भरी नजर पिता जी वल कीती, मोह दा पर्दा ला के रख दिता, अंदर दा भरम कटिया गया। हुण समझ आई है, सारी जिंदगी जिहनू पुत समझी बैठा रहा तो पुत नहीं सी, उते आप सृष्टि का मालिक परमेश्वर सी। जदों पिता जी ने अपने सपुत्र विचों उस रब नूं वेख्या, हाथ जोड़ के कहन लगे, रब्बा मैं जीवन भर इसे भरम दे विच रहा भी तू मेरा पुत्र, अज मेरा भरम दूर होया, मैनू समझ आई है। मैं दुनिया बारे तो बहुत कुछ जाने, माया कट्ठी की, पदार्थ कट्ठे किए, पर मैं अपने बारे समझ ही नहीं सकिया मैं कौन। नानक जी दया करो, कृपा करके मैनू अपने आप का ज्ञान दे दियो मैं कौन। इन सारे प्रकरणों को आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण किया। आओ कुछ समा मन चित व्यक्तियों एकाग्र चित बनाइए, प्रेम की पाओ सांझ, बख्शो आसीस, गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। एक छिन मन ते होवत नाही, विचरहि राग दवैख की माही। तीन दुनिया के मालिक गुरु नानक पातशाह अपने घर राय भोए की तलवंडी पिछले एक महीने तो समा बतीत कर रहे। बड़ी बार पिता जी ने अपनी सोची मत मुताबक पुत्र नूं समझाउण दा यतन कीता, बचे
माया जिंदगी जरूरी है, परिवार जरूरी है, फकीर वाला लवास ला दे, पर अज सतगुरु की तुरठे जो तो नज़र भर के पिता वाल तकिया ना, जन्मा जन्मा दे बोह दे परदे गुरु नानक पातशाह जी ने पिता कल्याण चंद जी जरूर कर दिते। बापू जी दी अखां चों हंझू आ रहे, माफी मंगते ने सतगुरु, गुस्ताखी माफ करो, मैं सारी जिंदगी तुहानू अपना पुत्र समझ के बोलदा रहा, मैनू अज समझ आई तुसी ते सृष्टि दे पिता हो, संसार दे मालक हो। गुरु बाबा जी कहते पिता की मंग लो की मंगना चाहूंगे। पिता कालू जी आखन लगे, सतगुरु मेरा मन ईरखा ते द्वैशता दे विच हर वेले फसिया रहिंदा, मैं वो माया विच जिंदगी भर गलतान रहा, एक पल एक छिन भी मेरा मन एकाग्र नहीं होया। सतगुरां दे पिता जी कहे, ये बचन बड़ी ईमानदारी दे ने, जिस मनुख के जीवन में धर्म प्रति ईमानदारी आ गई ना, वो किरत में कदे बेईमान नहीं हो सकता। सतगुरां दे पिता कहते, सच्चे पातशाह एक पल एक छिन भी ऐसा जीवन में नहीं आया, ये मन कदे एकाग्र चित होया होवे। इस प्रकार लख पित जग्यासा, बोले बचन ज्ञान की रसा। जदों सच्चे पातशाह जी ने वेखिया भी पिता जी दे मन अंदर एक जग्यासा जागी है, आस लगी है जग्यासू वाली, कुछ सीखण दी, कुछ जानण दी, क्योंकि सारी जिंदगी ते पिता झड़कदे रहे, बद घट बोलते रहे, यही कहते रहे पुत बथेरा लुटा लिया घर, मैं हुण तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। पर अज ओहो ही पिता गल विच पल्ला पा के कहिंदे ने, सच्चे पातशाह कृपा करियो बई। जदों महाराज ने वेखिया ना पिता जी अधिकारी बन गए ने, कुछ सीखना चाहते आ, कुछ खटना चाहते आ, फिर गुरु पातशाह ज्ञान के सागर प्रेम के घर विच जाके बख्शिश करन लगे ने। परमेश्वर ते बेमुख जोई, मन जो नाम लखी जय सोई। गुरु नानक साहब आखन लगे, पिता जी परमेश्वर तो जेड़े लोग बेमुख हो जाते, रब दे नाम नु भुल के अपने नाम का जाप करते, नाम नाम है सब तो वड़ा, नाम है परमात्मा। दुनिया के मनुखा के नाम बनते रहते, मिटते रहते, कोई नहीं जानता, पर परमेश्वर का नाम धुर की बाणी कहती, नाम रहे हो साधु रहे हो रहे हो गुरगोबिंद। इस धरती से परमात्मा ने रहना, वो नाम ने रहना, तो वो प्यारियां दे नाम रहने जिन्हें जिन्हें जपया है। सतगुरु कहते पिता जी, नाम तो बगैर मनुख मनमुख बन जाता है, तो मनमुख बंदे दे जीवन में शांति कोई नहीं। गुरु पातशाह के फरमान ने परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभी, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विलोग, जन्मा जन्मा दे विछोड़े मनुख नू लगते ने, जे वह मनुख परमात्मा तो टुट दे रब नू विसार पवे। ते गुरु पातशाह ने जेकर ही मनमुखां दा की, पिता जी मनमुख लोग नाम नहीं जपते, रब दे भेजे आए जरूर, पर रब नू चेते करदे नहीं। जो सरूप सनमुख वै लागा, भयो अमन सो लखो सुभागा। जिन्हां जिन्हां ने उस परमात्मा दे सरूप नू अंदर भी वेखिया ते बाहर भी वेखिया, ओह ते हो गए सुभागे, भागा वाले। अंदर अमन आ गया, चैन आ गया, शांति आ गई, एकाग्रता आ गई, भटकना तो दूर हो गया। पर पिता जी जिन्हां ने उस रूप नहीं ना वेखे, उन्होंने सिर्फ अपना मैं का रूप वेखिया, मैं विच फसिया, मैं मेरी वाला बंदा सदा ही गलतान है, सदा ही परेशान है, पर नाम जपन वाला मैं तो दूर हो जाता। कुछ चंगा होया वह कहता मेरे वाहिगुरु ने कीता, कुछ बुरा भी होया
रब की रजा च होया वो कदे उलांभा नहीं दिंदा। गुरु बाबा जी कहते पिता जी मैं मेरी वाला ते सदा ही दुख भोगदा, पर नाम जपण वाले जिन्हां ने परमेश्वर नूं हर थां ते देखिया ना वो कहते मैं उलांभा किहनूं देवां, जे मेरा किसी ने बुरा भी किया है तो मैं बुरा किहनूं आखां, क्योंकि जिन्हों मैं दुश्मन मन्निया उहदे विच ते मेरा वाहिगुरू बैठा आप वरतदा है, कीता ते परमात्मा ने है, करे करावे आपे आप मन नूं कह के ना ही हाथ हो तो इस अवस्था से चलते आ। पर मनमुख बंदा बंदियां नाल वैर पा ले, क्योंकि उहदी बिरती इत्थे खड़ी है भी मेरा किसी ने विगाड़िया तो मैं किसी का विगाड़ दे। पर जिन्हें नाम जप लिया वह कहिंदा मेरा दुश्मन कोई नहीं, मेरा वैरी कोई नहीं, क्योंकि मेरे सारे मित्र। साहब कहते पिता जी उन्हां दे अंदर एकाग्रता आउंदी आ, पिता जी ने उलांभा दिता पुत सच्चे पातशाह मेरा मन एक सैकंड भी टिकदा नहीं, एक पल भी कदे टिकया नहीं, मैं राग द्वैत च भज्या रहा, राग नाम है मोह दा, द्वैत नाम ईरखा दा, एक पासे मोह है मोह दा दूजा पासा ईरखा है। गुरु पातशाह कहते पिता जी जद तक व्यक्ति मनमुखा वाली मनुख दी रहे उन्हूं रब किते नजर नहीं आउंदा, क्यों रब विमुख बर्फ है जावे सनमुख ती सो जल पद पावे। गुरु नानक साहिब महाराज प्रमाण दे के समझाउंदे आ पिता जी जिथे जिथे सूरज की रोशनी जाती है धरती उत्थे पई हुई पर्वतां पहाड़ां ते बर्फ भी ग्लेशियर बन के पिघलदी है, ते जिन्हां थावां ते सूरज की धुप ना जाए रोशनी ना जाए कहिंदे उन्हां पहाड़ां उत्ते बर्फ 12 महीने जमी रहिंदी है। चंद्रमा तो लैके किन्ने ग्रह ने जिन्हां ते प्रॉपर जिहड़े जिहड़े पासे सूरज की रिफलैक्शन नहीं आती उह अज भी जमे हुए, बर्फ ही बर्फ है। धरती ते बड़े पर्वत ऐसे ने, बड़ी श्रृंखला पहाड़ां भी ऐसी है जिथे धुप ना लगन करके 12 महीने बर्फ पैंदी, भावें हिमालिया दे पर्वत जां सुमेर पर्वत होवे, पर जद जद उहनां पर्वतां ते सूरज दी लिशकोर पैंदी धुप पैंदी ते उह बर्फ पिघल पिघल के पानी बन बन के धरती वल लगदी। हुण सूरज तों बगैर बर्फ ते ठंड घटदी नहीं, जिधर सूरज का मुख होएगा उस पासे वल धुप ज़्यादा होए, चानण ज़्यादा होएगा तो बर्फ घट होएगी। पिता जी बस ऐसा ही है संसार, यह भी एक रब की बनाई हुई रचना है, सूरज के सामने कुछ भी रुकता ना, उत्थे कोई वाइब रवे ना उत्थे कोई रेडिएशन रवे, जिथे जिथे सूरज का प्रकाश जाता है पर जिथे सूरज का चानण ना हो लो ना हो नदियां भी जम जा, पहाड़ा पर्वतां ते सदा बर्फ पैंदी है। त्यों इस मन की गत लख लीजे परमेश्वर दिश दृढ़ सो करी जे। इसे तरह मनुख का मन है जिन्हां ने ते सूरज वत परमात्मा नूं वेख्या जाणिया चेते करते ने हर वेले जपते ने कहिंदे उह ते निम्रता दे पाणी वांग विगले रहिंदे आ। हुण पाणी च निम्रता है निर्वाणता है, जिन्ना भी पाणी है बरखां तों पिघल के आया होए समुद्र भर रहे आ, पर उह च गुण की है उह नदियां दे रूप च भी वहिंदा है, झीलां दे रूप च भी आ जांदा है, वाष्पीकरण हो के फिर बरसात बन के भी आ जांदा है, पर जिहड़ा पाणी बर्फ ही बनिया होया सी जिहदे मत्थे सूरज नहीं लगदा उह कहिंदे सख्त सी ਹੋਸੀ ਤੋੜਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਪੁਨ ਰਾਗ ਜੋ ਦਵੇਖਾ ਤਿੰਨ ਤੇ ਹਵੈ ਹੈ ਸਥਿਤ ਬਸਿਖਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਲੋਭ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਮੇ ਪਏ। हुण बर्फ दे विच ऑक्सीजन घट, हर कोई जीव ते प्राणी बर्फां च रह नहीं सकदा, रशिया अलास्का ये जिन्ने इलाके ने धरती दे बर्फां नाल कज्जे हो किन्ने कु लोकां दी वसो, दुनिया का पौना हिस्सा रशिया की धरती है,
खाली पेट में, बर्फ ही बर्फ है। क्यों नहीं? क्योंकि उत्थे सिर्फ ठंड है, सूरज की रोशनी घट पौंदी है, इस करके जमया पे। पर बर्फ के फसल नहीं होंगे, बर्फा के सदा नस्ल नहीं रहिंदियां, बर्फ ही गाड़ दिंदी है, बर्बाद कर दिंदी। गुरु नानक साहब कहते भाई जिथे अकाल पुरख परमात्मा के ज्ञान के सूरज का चानण नहीं ना मन च होया, उत्थे राग ईरखा द्वैषता विरोधता लालच बुराई ते होमे रहे। पिता दी ओह मन कदे सुधर नहीं सकदे। सर्ब थान सब जीवन माही, परमेश्वर बिन दूजो नाही। पर जिन्हां ने अकाल पुरख परमात्मा नू सदा वेखे है, सदा तके है, सदा जाने है, वो सर्वकाल सर्व थां हर जगह ही रब नू जानदे। उन्हां लई कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, नाम जपण दा उन्हां पास कोई वेला नहीं, वो हर वेले जपदे आ। जे हुण भगती दी गल चलीए करिए ते सतगुर कहिंदे आ भाई कित वेले भगत होए, वो किहड़ा वेला जदों रब दी बंदगी करिए, बंदगी दा कोई वेला उत्ते अठे पैर हर वेले है। कहिंदे जिन्हां ने सूरज नू तकिया, सूरज नू वेखिया, उन्हां दे जीवन विच चानण प्रकाश निग सब कुछ आ। ते पानी वाली निर्माणता उन्होंने जीवन में रही है पिता जी, पर जिन्हें मनमुख लोगों ने कदे सूरज परमात्मा वेखिया ही नहीं, ओले च रहे, होमे दे परदे च रहे, वो कहते अंदरों आकड़े रहे, क्योंकि आकड़ जाना बर्फ का सुभाव है। तुसीं कहोगे बर्फ तो ठंडी है जी, आकड़न वाला बंदा तो गुस्से च होंदा है, नहीं भाई कदे आइसक्रीम कुल्फी इन चीज़ों की नेचर पता करे। बेशक बर्फ जमदी है पर सुभाव उहदा गर्म है, तसीर गर्म है उहदी, फ्रिज विच पईआं चीज़ां दी तसीर गर्म है, इसे करके मनुख की गर्मी घटती वधदी रहिंदी है, इनबैलेंस रहिंदी है। दीन दुनिया के मालिक सतगुरु कहिंदे पिता जी मनमुख लोग, मनमुख कौन है? जिन्हें रब नूं मुख नहीं मन्निया, अपने आप नूं मुखी बनाया होया वी मैं ही सब कुछ आ, मेरे तो बिना दुनिया ते कुछ हो नहीं सकता। पातशाह कहिंदे मनमुख है, वो रोगी है, वो बेकारी है। पर जिन्हां ने सूरज परमात्मा परमेश्वर नूं जाणिया, सूरज दा इत्थे रुतबा क्यों दित्ता? आ धरती आ ना जिन्नी, जिन्ना साडा सोलर है, ब्रह्मंड है, जे सूरज ना ना होवे इत्थे ना कोई फसल होवे, ना इत्थे चानण होवे, ना कोई रुत होवे, क्योंकि गुरबाणी दा फैसला है सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के जिवें एक सूरज करके ही सारा वायुमंडल चलता है, सोलर चलता सिस्टम। सोलर सिस्टम केड़ा? छत्तां वाला नहीं, ब्रह्मंड का सिस्टम सोलर, एक सूरज करके है। जे सूरज ना होवे ते चंद्रमा करके कदे पूर्णमाशी ना आवे, कदे मसिया ना आवे, सब चीज़ां दा करता धरता दिन वार समा महीना साल एक सूरज दी देन ने, क्योंकि सूरज तो प्रकाश चंद्रमा लगे, उहदे करके ही सब कुछ चलता है। सूरज के दुआले धरती गेड़े ला रही है। गुरु नानक साहब महाराज कहते भाई एक अकाल पुरख परमात्मा के इर्द गिर्द विश्व संसार घूमता है, उस तो बगैर कुछ नहीं ते उस तो बाद भी कुछ नहीं। जिन्हां जिन्हां ने उन्हूं जाणिया है अंदरों ईरखा मुक गई, द्वैषता मुक गई, वह निम्रतावान हो गए, जीवन में नीवे हो गए, हर वेले वो सीखना चाहते ने। सर्व बिखै जल जैसे परमात्म रहो पूर सो ऐसे। अगला जिक्र गुरु नानक पातशाह जी ने किया कि सारी धरती थले पानी है, ठीक है कुछ थां इहो जिहे भी हो सकदे उत्थे पानी नहीं, तेल हो सकता है, पर तेलां तो थले जाके भी कितना कितने पानी हजारां किलोमीटर हेठां। जिवें धरती दे थले पानी है ये सब नूं पता है, हर मनुख नूं पता है, हर बंदा जानता है भी धरती थले पानी इदां चलता है जिवें दरिया चलते हो, चलता इदां ही दरियावां दे वांग पानी अपने बहणा विच चल रहा धरती दे थले, पर हर एक मनुख नूं ओह वहण चलते नहीं दिसदे, कोई वेख ही नहीं सकता धरती थले पानी चल के मेरे है किहड़ी दिशा नूं चलता है। हमेशा धरती थले पानी पूर्व तो लैके उत्तर की दिशा नूं चलता है, हमेशा
पर यह चीज़ा बड़िया गहरिया बड़िया डीप ने। अज का विज्ञान इन्हों काम कर रहा है, पर गुरु नानक साहब कहते भाई जिवें धरती मध्य पानी प्रगासिया, जिवें धरती थले पानी सारा कितने है, क्या धरती मध्य पानी का हूँ धरती के हेठा पानी तो है, कहते बदल चढ़ के क्यों आ गए कि भाई थले पानी नहीं है धरती, तुम क्यों नहीं बनाते, कहते उस वे बदलों की लोड़ है, जे बदलों की बारिश ना हो धरती के पानी नाल भी फसल सदा नहीं रहिंदियां। अज जिवें पंजाब के पानिया का पद्धर हेठा जा रहा है, मारूथल बन बन वाले पासे तुरिया जाता है, कदों तक झोना ला लेंगे, किन्ने क साल ला लेंगे, किन्नी क देर ला लेंगे, जे पानी बजूगा तो जहर हो जूगा, तो जिन्ना क है वो असीं मुका लेंगे। गुरु बाबा जी आखन लगे कहिंदे भाई धरती थले पानी है, पर वो पानी मनुख नूं दिसदा नहीं, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਮ ਜੇ ਕਹੋ ਨਹਿੰ ਦੇਤ ਦਿਸਾਈ, ਸੋ ਬੇਦਨੀ ਕੀ ਦਿਓ ਬਿਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰ ਲਾਉਣੀ, ਖੂਹ ਪੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦਮ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰ ਲਾਉਣੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰਵੈਲ ਕਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਝਰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਰਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਹ ਕੁਝ ਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਜੋ ਰਿਦਾ ਬਿਮਲ ਹੈ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਉਂ ਸਰੋਤ ਸੋ ਜਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਜਲਾ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਿਆਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਰਿਆਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਬਾਅਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਊ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਾਣਦਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਖੋਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਸੀ ਕੋ ਔਰ ਹੈ ਜੋਈ ਕੂਪ ਸਮਾਨ ਜਾਣੀਏ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਗਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਓ, ਰੋਟੀ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਲਡ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਰੂਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
एक एक पार्ट में ऑक्सीजन भर जाती है, तो जब मनुख छकद खाँदा है तो ऑक्सीजन अंदर चले गई, पानी के पार्टीकल से ऑक्सीजन देते दे सेहत न ब्लड न ब्लड वसल्स न हर चीज़ में ऑक्सीजन मिल गई, तो मनुख जवान हो गया, तंदुरुस्त हो गया, चुस्त फुरत हो गया, शेक जूस इस करके माड़े आ क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन की थान पर कार्बन घूमती, जब कोई ग्राइंडर घूमता है वो ऑक्सीजन नहीं होती, गर्मी होती है, तो जो वो कार्बन मनुख के अंदर जाती तो जहर पोल्यूटड है, तो जब असी किसी चीज़ को कट कट के पीस कर करके खा रहे हैं वो ऑक्सीजन अंदर गई, पानी अंदर गया, तो वो कि कुछ प्राप्त हो गया क्योंकि कुदरत ने दिता है सारा। गुरु नानक साहब कहते परमात्मा हर थान पर वसया, जिवें कण कण में ऑक्सीजन है, हवा है, पानी है, पर कहते कुछ लोग ऐसे ने उन्होंने यही पता भी पानी फलाने खूह च है, खुश है, सारे पिंड को पता है भी खूह च पानी है, पर उन्होंने लोगों ने कदे नहीं सोचा जिन्हें बैडा से असी सुते हैं इन्होंने थलों भी पानी जा रहा है, जिस घर से असी रहने जिस मकान च बैठे हाँ जेडे खेत तुरे फिरते हैं तो थले भी पानी का बहा नहीं, वो सिर्फ इन्ना जानते हैं पानी मिलेगा खूह तो टैंक तो या किसी स्रोत तो, मर्द कहते इन्ना तो उन्होंने पता है पानी मिलेगा, पर कहते वो ये कहते खूह को जाके पानी डूढ़ा है क्डना पैना है, खूह अपने आप से पानी बहर नहीं कर, मेहनत करनी पैनी है, डोल लटका पैना है, जब मोटर मोटर ला के पानी क्ढना पैना है। सतगुरु कहते जग्यासू का हिरदा ऐसा है जिमें खूह में पानी है पर क्ढना पैदा है, कहते हर मनुख अंदर रब है ये तो ब्रह्म ज्ञानी जानता है, पर किसी किसी अंदर रब न जगा पैदा जिमें खूह चो पानी क्ढना है, वो पानी क्ढन वास्ते डोल पानी पी जोर लाना पैदा, तो फिर रब न अंदरों वेखण वास्ते मेहनत करनी पी मशक्कत करनी पैंदी है, जीवन में सिमरन करना पैंदा है, यतन करे जल करमी आवे क्यों परियास ते ईश्वर पावे, जिवे यतन कीते आ तो खूह दा पानी मनुख कढ लैंदा ना, ते जेड़ा मनुख बंदगी करन दा यतन करे अज साडा नितनेम एक यतन है, साडा सिमरन अज एक यतन है, ये सानू भी पता भी असी पूरे नहीं, कमियां हजारां होणगियां पर यह मतलब ये नहीं कि हजारां कमियां ने साडा मन नहीं लगता असी पाठ नहीं करना, असी गुरु घर नहीं जाना, असी सिमरन करना ही नहीं, अमृत वेले जागना ही नहीं, भी बाबा जी मेरा किहड़ा मन लगता नहीं, मर्द कहते तू यतन करी जाएगा जिवें खूह दे विचों पानी कढ़िया एक दिन प्यास बुझ गई, जब तू सवास सवास सिमरन करेगा बंदगी करेगा बाणी पढ़ेगा मना नाम जपेगा एक ना एक दिन रब की प्राप्ति होगी। अज्ञानी को और है जो पढ़दे को जल जानो सो, एक अज्ञानी बंदा है मूर्ख संसार दे मतर दे, मर्द कहते भाई पानी तो है धरती थले, वो कहता जा फलाना खूह भी खाली, फलाने का खाल भी खाली, नहर भी खाली, दरिया भी खाली, मैनू तो कितने पानी दिसदा नहीं, दुनिया भी प्रलान पानी नज़र नहीं आता मनमुख बंदे क्योंकि उसकी गलती उस पास नहीं, पर धर्मी बंदा जानता है भी जिवें पानी हर थान पर है, मेरा वाहिगुरू हर थान पर है, मनमुख कहता इतने रब नहीं है उत्थे नहीं है धार्मिक थावां ते रब है, पर नहीं कहते पानी जिवें हर थान पर है, वाहिगुरू परमेश्वर हर जगह ते वरतदा है, तत्काल हाथ नहीं आई पर छित में जल है सब थाई, हुण मनमुख बंदा लोकां नाल जिद करदा है लड़दा फिरदा है खूह च पानी नहीं, तुसी पानी कित्थों लै आओगे इत्थे धरती च पानी नहीं पानी लै कित्थों आओगे, उन्हें रौला क्यों पाया, वो यतन नहीं कर सकता, उन्हें पता है पानी खूह ते भी मिल सकता है पर कट के कौन ले आऊ, कौन जाऊगी तुर के घड़ा भर के दरिया तो कौन लेके आऊ, उन्हें की जवाब दिता किसी ने पानी मंगया कहिंदा अज पानी है नहीं, भरना पैना मेहनत करनी पैनी है, कहिंदे ये अग्ञानी बंदे का हिरदा है रब सारिया थावां ते आऊ कहिंदा आपां की लैणा है, बथेरे काम पए आ इत्थे बुढ़ापे च भी जप लाँगे उदों भी कर लाँगे, गुरु नानक साहब कहिंदे भाई वो यतन नहीं करता, मनमुख बंदा रब नूं मिलण दी इच्छा ही नहीं जाहर करता, तां की कोई नहीं
जब अंदर चाहत नहीं तांग नहीं ते परमेश्वर परमात्मा पानी जैसा किवें प्राप्त होएगा। क्यों परमेश्वर है सब माही प्रगटन दुर्न कही बिद जाही। पिता की इसे तरह वाहिगुरु निरंकार हर थां ते है किते ओ प्रगट है किते ओ शुभिया है। जे वे पानी सारा किते है किते खूह राही प्रगट हो रहा है किते झरने बन के फुट फुट के आपे बाहर आ रहा है किते दरियावां दे विच सेम बन के पानी आपे चली जांदा है ते सारी धरती च ही है ना। गुरु बाबा जी कहते बस अवस्था करके पिता जी किसी रब हर थां ते दिसदा है किसी मेहनत करके किसी किसी विच दिसदा है। असीं कहने आ ना भई फलाणा बंदा ते रब वर्गा है ओ बंदा ते देवते वर्गा है। मतलब साडी बिरती च फर्क है सानू एक अद्धा बंदा ते देवता लगदा ते बाकी शैतान लगदे आ। पूरा ऑपोजिट पासा तो यही है ना भी एक देवता ते दूजा शैतान है एक रब लगता है एक शैतान लगता है बिरती च फर्क है। तो किसी गुरमुख में जाके पुछो भाई कन्हैया जी ने पूछा भी तेन दुश्मन नहीं दिसते कहते ना मैनू तो हर थान पर इदा लगता जिम्मे गुरु कलगीधर पातशाह मैथों पानी आवाज दे के मंगते भी कन्हैया मैं प्यासा मैं पानी दे उन्होंने दुश्मन नहीं दिस अवस्था उची सी ना कि कोई वैरी नहीं दिसिया ना को वैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको मरियाई। गुरु नानक पातशाह कहते पिता जी ये अवस्था का प्रमाण है। हुण जिहड़ियां गल्लां एक बजुर्ग नूं पता ने वह एक बच्चे नूं नहीं पता। जो कुछ एक नौजवान ने अपनी जिंदगी च हटाया होया है वह अठां दसां बारह सालों का बच्चा नहीं जान सकता। पर जिस दिन उस अवस्था ते आ गया उस उम्र च पहुँच गया कुछ गल्लां उम्र करके आउंदियां ने कुछ गल्लां ज्ञान करके आउंदियां कई बार उमरां भी वड्डियां हो जांदियां अकल नहीं हुंदी सारी ते कुछ गल्लां अकल करके ते कुछ गल्लां उम्र करके। गुरु बाबा जी कहिंदे पिता जी वाहिगुरु हर थां ते कण कण विच रमिया होया है उहदे तों बगैर कोई थां नहीं पर इह सभ नूं नज़र नहीं ना आउंदा हर एक नूं दिसदा नहीं जिन्हां नूं दिसदा है माड़े कर्म नहीं करदे। जगत बनाओ बनयो है परमात्मा बिन कौन गुनयो है। पिता जी ये जो संसार बनया होया ना ये ना रब तो बिना बनया बनाया भी रब ने है वसदा भी विच है ये नहीं है भी दुनिया बना के कितने आप लुक के बह गए भी परमात्मा ने संसार साज दिता मुड़ के कदे किसी के सामने नहीं आया। बनाउन वाला दुनिया का कारण भी आप है। अज तक कोई यह नहीं कह सकता रब ने दुनिया क्यों बनाई कारण पता किसे पूरे अपनी मौत च बनाई क्यों बनाई है ये कोई नहीं दस सकता। ब्रह्म ज्ञानी भी दुनिया का भी क्यों बनाई सी आप साजी है अपनी मर्जी ना साजी है अपनी मर्जी ना ढा दिंदा है आपे बनाई जाता है आपे ढाई जाता आपे खेडी जाता आपे खड़ाई जाता। सतगुरु कहते पिता जी जिवें पानी हर थां ते वसिया होया ना वाहिगुरु हर थान पर है घट घट मैं हर जू वसा कोई थान ऐसी नहीं जिथे वो ना हो दुनिया को बनाया उन्हें आप किसी को मसलत नहीं रही सलाह नहीं ली पुछया नहीं तो ना वो दुनिया को खत्म करने वेले किसी की सलाह लवे भी मैं मारा छड़ा वो नहीं बर्बाद करता। बापू जी उस परम पिता परमात्मा ने इस जग न साजन का कारण भी खुद को बनाया साजिया भी उन्हें आप ना भी आप ही करता है। क्यों निज रूप बीज बढ़ तारत वै कर बिटप भले विस्तारत। रब दुनिया बनाउंदा किवें है एवे जिवें कि एक छोटा जिहा बीज जे बीजिया जाए बहुत वड्डा ब्रिश बन जाता है बोड़ का बीज किन्ना है दुनिया के सारे बीजा नालों छोटा बीज बोड़ दे रहे एक बोल विच हजार बीज होंगे पर जे वह बीजिया जाए कहते बहुत कुछ लग टाणियां पत्ते हल्के हल्के फुल बहुत वड्डे आकार का ब्रिश भावे कोई फलदार रुख है बनता एक बीज तो जे वह बीज उगया ही ना बोहड़ ते ब्रिछ नहीं बनता। एह बीरज को खोजे को काठ पुत्र काठ पत्र कुछ पादक जो। पर कोई बंदा सियाणप करे बोड़ दा जा किसे भी रुख दा बीज लैके वह बीज नूं तोड़ के देखे भी कोई लक्कड़ कढ़नी है
ਇਥੋਂ ਪੱਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦਰਖਤ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਖੋਜਿਆ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸੌ ਅਰਬ ਖਰਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਂਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮਥੁਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਜੱਗ ਤੱਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਚੰਦ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਰੇ ਕਦੋਂ ਬਣੇ, ਜਹਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਦਲਾਸਾ ਜੀ, 1100 ਅਰਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਫਲ ਦੀ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਬੀਜ ਚ ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਲੱਭ ਲੂੰਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡਦਾ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਧਰੂਵ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਦ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਹਿ ਕਬਹੀ, ਖੋਜਤ ਰਹਿ ਅਰਬਲ ਸਭੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਲਏ, ਲੈਬ ਖੋਲ ਲਏ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀ ਚੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ 'ਚੋਂ ਦਰਖਤ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖੇਡ ਰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪੁਗਰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਅੰਬ ਦੀ ਗੁਟਲੀ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪਾੜੀ ਚੱਲੋ, ਵੇਖੀ ਚੱਲੋ, ਵੀ ਅੰਬ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਰੇ ਪੱਤੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਲ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭੀ ਚੱਲ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਬੜਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਕਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਫਲ ਕੋ ਖੋਜੈ ਪਲ ਭਾਂਤੇ, ਪਾਏ ਬੀਜ ਹੈਵ ਸੀਤਲ ਛਾਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ। ਤੂੰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ, ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੀ ਕਦੇ। ਬੀਜ 'ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਕਿਆਰੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਘਰੇ, ਆਖੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੋਜਨ ਵਾਰੇ, ਕਾਠ ਤਾਮਸੀ ਜੀਓ ਨਿਹਾਰੇ। ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਰੱਖਿਆ, ਠਰੰਮਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੂਟਾ ਬੀਜਿਆ, ਬੀਜ ਲਾਇਆ, 5-10-20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਲ ਵੀ ਦਏਗਾ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਸੀ,
साहब कहते जिन्हें बंदगी जीवन में की नाम जपया ना ये नहीं भी पांच मिनट सिमरन किया मैनू वाहगुरु होनी मिल जाए यार साहब कहते ठरमा रखना सहनशीलता रखनी पैंती है बड़िया ने रब न खोजिया मिलिया बाणी लिख रही है ना खोजत खोजत सुनी है सोए साध संग बिन तरेओ ना कोए कहते दुनिया लभदी लभदी खोजदी खोजदी मर गई खोजते बट भागी जिन्ना राम नाम खोज खोज बिरले सी जिन्ना रब के नाम नूं खोजे आ रब नूं लभण वाले ते दुनिया तुरी फिरदी है बड़े आए बड़े तुर गए पर वो किसी नूं नहीं मिलिया प्राप्ति नहीं होया क्योंकि बीज बेचो जे बंदा लकड़ लभण तुर पे फल लभण तुर जे मिलू कुछ नहीं मिलेगा उदो जो तो बीज बीज के सहज रखेगा सहज पके मिठा तो ही होना जिहड़ा फल सहजे सहजे पक जे जे फल का बीज नहीं लाया फल लगना कित्थों है वचन कठोर कहन है जो लख कठोर पन पातशाह कहते पिता जी जीवन में कठोर वचन बोलने कठोर मन रखना मतलब पत्थर वर्गा मन किसी का दर्द देख के पिघलना नहीं किसी से तरस नहीं आना हमेशा कौड़े बोल बोलने पातशाह कहते एक कठोर लकड़ है कठोर लकड़ किसी काम नहीं आती सिर्फ बालण के काम आती जी लकड़ कठोर हो ना कुछ भी बनाया नहीं जा सकता जे उस लकड़ के मॉइस्चर ना हो किसी काम नहीं सुकिया लकड़ा सिर्फ बालण के काम आदियां ने जिन्या लकड़ा तो वुड बनता है आ लकड़ का काम होता है इन्हें कित ना कि नवी होती है साहब कहते पिता जी जो जीवन कठोर है ना मन च कठोर पुणा है कदे रब की प्राप्ति होती नहीं ईश्वर हाथ ना ਜਿਉਂ ਸਿੱਕਤਾ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਠੋਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ 'ਚ ਪੀੜੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤੇ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਠੋਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਦੇ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਉੱਥੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੱਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੱਥ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂਤਾ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਮਿਠਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਕਠੋਰ ਬਣ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸੇ ਪੱਤਰ ਸਮਾਨਾ ਛਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇ ਹਲਕੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕੋਈ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਲੱਕੜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਆ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਛਾਂ ਦੇਣਾ ਛਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਧੁੱਪ ਝੱਲਦੇ ਆ ਰੁੱਖ ਆਪ ਧੁੱਪੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਏ ਹਰੀ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਅੰਦੇ ਕੋ ਮਗ
मोती जैसे। इन्हां तो अगे फिर तीजी बिरती है शांतगी, वो तो विरले कोले आ। हुण कहिंदे जे एक अन्ना बंदा रस्ते च तुरिया जांदा है सामने पई चिट्टे मोती सोचे मोतियां दी माला भावे अन्ने वास्ते ते धरती ते मोती बिछा दे, उह कहिंदा हाय हाय पैरां दे जोड़ लाज गए, उहदे लई ते किसे काम दे नहीं, कि दिसदा ही है नहीं। इस तरह रब वाहिगुरु परमात्मा के गुण संसार विच जिहड़े वरतदे आ उहदा सुभाव ते बंदगी वालियां दा सुभाव मनमुखां नूं जचदा ही नहीं आ, फुरसत नाम सामने नहीं आउंदा, ठीक ही नहीं लगता, क्योंकि हुण अन्ने दा कसूर ते इही है बेचारे दा, उहनूं दिसदा नहीं। मनमुख बंदे नूं ना रब दिसे, ना रब दा प्यारा दिसे, ना किसी की बंदगी दिसे, ना सिमरन दिसे, क्योंकि उहदा उह नज़रिया ही नहीं। पर शांत की बिरती वाला मनुख जिन्हें सहज रखे आ, संतोख रखे आ, वो फुला वर्गा छप समान शांत की जे मदर बचन गंध तरती। जो फुल है फुल का एक सुभा है, खुशबू कोई लवे ना लवे उन्हें खुशबू देनी, कली खुशबू नहीं फुल च मिठास है, इसे करके शहद दियाँ मखियाँ फुलां दे रहियां। सतगुर कहिंदे जिन्हां दा सुभाव शांत की है, शांत बिरती वाला, वह फुल वर्गे आ। कोई माड़ा कही जाए हुण शहद की मक्खी डंग मारे की हाल कर दिंदी, पर फुल ते सैकड़े डंग शहद की मक्खी मारती है, पर कदे फुल ने उहनूं मारिया नहीं, वह फिर भी महक दे रहा है, उहनूं रस दे रहा है। गुरु पातशाह कहिंदे बंदगी वालियां नूं कोई गालां कढे मुड़ गाल नहीं कर, नाम जपण वालियां कोई बुरा कह दे अगो बुरा नहीं कहिंदे, क्योंकि ओ फुल वांग महकदे ते टहकदे रहिंदे हन। तिन ते कुछक होत सुध कारा नहि पायत है प्रभु अपारा। पिता जी फुल दी खुशबू वाले किसी नूं ज्ञान बख्श सकदे, क्योंकि ओ शांत खुशबू दे रहे आ, उन्हां दे सुभाव तो कोई प्रभावित हो सकता है, भी मैं अज तो बाद जिंदगी च फुल बन के रहना, कंडा बन के चुभना नहीं किसे, क्योंकि कंडा जमा का काम है ते मनमुखां दा काम, फुल देवत्या दी वरती है। पर सतगुर आखण लगे पिता जी जे कोई राजसी ते तामसी बन के जीवे आखे लकड़ नाल गुजारा कर लां खा के नहीं हो सकता, आखे पत्तियां दा खा के गुजारा कर लां सारी जिंदगी नहीं हो सकता। कहिंदे फुलां तो दवाइयां बनदियां, फुलां तो महकां आउंदियां ने, फुलां तो जीवन की खुराक बनती है। पिता जी जिन्हां दे सुभाव च मिठास आ देना निम्रता आ गई रब मिलता ही उन्हां नूं है, क्योंकि फुल तो ही एक दिन फल ते बीज बनता, फुरसत नाम हर फल लगन तो पहला फुल होंदा, पहले पैरे फुलना फल भी पछा, जो जा गन लहन से साई करो ना। मर्द कहते पहले पैर तो फुल बनता है, फुल तो फिर फल बनता है। कहते शांत की बिरती वाले गुरमुख जन महान होंगे ने। पिता जी कौड़े बचन बोलने छे, क्योंकि पिता जी कौड़ा बोलते भावे पिता कहते मेरे दिल च कुछ नहीं, दिल की नहीं देखिए बोलते कौड़ा सी, गुरु साहब ने किन्ने बचन कौड़े बोले। अज पिता जी दी अखां च अथरू आ गए, मना मेरे आ मैं इतों तक कौड़ा बोलिया, मैं तो रब न रब ना जाने आ, पुत समझ के भी इन्हों बुरा बोलिया, अज वो पश्चाताप हो रहा है। तो जिस मनुख न अपने किते कर्म का पछतावा हो जाए तो रब की दरगाह दर्शी आ जाता है। जिवें जिवें सतगुरु कृपा करते हैं, क्योंकि माता पिता जी का अंतम समा चल रहा है, सतगुरु तां ही आए ने उपदेश दे रहे ने। पिता जी की बिरती पहला दुनियावी पद्धर से गुरु की माया अनुसार लालचाली सी, पदार्थवादी सोच सी, हुण बिल्कुल अलग हो गए, नाम जपण वाली नहीं बन गई, परमात्मा नूं चेते करदे आ, सतगुरां तों उपदेश मंगदे आ। जिवें जिवें गुरु पातशाह दया करनगे आने वाले दिनों च आनंद माणांगे। वाहेगुरु वाहेगुरु।